आप लोगों ने बेलपत्र अगर कभी शिवजी पे चढ़ी हुई, हम तो कई बार निवेदन करते हैं कि आप उसका सेवन हफ्ते में एक बार, जिसको भी शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, हफ्ते में एक बार शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ कर देना चाहिए हफ्ते में एक बार। और जिसके भी घुटने में प्रॉब्लम रहती है या डॉक्टर ने बोल दिया कि घुटना बदलना पड़ेगा, तो उनके लिए निवेदन है शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र शिव जी के मंदिर पर ही बाहर खड़े होकर शिखर का दर्शन कर कर उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लीजिए, घुटना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी घुटना बदलने की। और कई लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है, आपके बीच में ही लोग बैठे होंगे, बहुत सारे आपके भीतर बैठे होंगे, कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने उस प्रैक्टिकल को करा होगा, जिन्होंने किया होगा, और कई लोगों को उसका लाभ प्राप्त हुआ होगा, कई लोग। अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर का चरित्र का, ओगड़दानी मेरे त्रिकालदर्शी की कथा कर रही है। महाराज ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव, भगवान शिव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया, बड़ के पेड़ के नीचे मेरे शंभू, मेरे शंकर विराजमान हो गए। मित्रों आज का